और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल की पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा में मुख्यमंत्री उम्मीदवार की करेंगे घोषणा। गोवा में 14 फरवरी को होंगे मतदान। बीजेपी कांग्रेस आप और टीएमसी में होगा मुकाबला। आपको बताते चले कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी काफी जोर लगा रही है। बुधवार को पार्टी गोवा में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करने की तैयारी में है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पणजी में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि आज वो सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो अपनी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। आज 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम केजरीवाल की ओर से की जाएगी, उसमें वो अपने सीएम पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार होंगे गोवा से, उसके नाम का ऐलान कर सकेंगे। और साथ ही इससे पहले पार्टी ने मंगलवार को पंजाब के लिए भगवंत मान को मुख्यमंत्री चुना है, उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। भगवंत मान आपके पंजाब इकाई के प्रमुख हैं और संगरूर लोकसभा सीट से आपके सांसद भी हैं। गोवा में हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 13 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी ने दिल्ली में ईमानदारी और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ काम किया, इसका सबूत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम के आदेश से हमारी सहयोगियों के ठिकानों पर छापे पड़े, लेकिन किसी भी घोटाले के सबूत नहीं मिले। आपको बता दें कि गोवा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार कोशिश यही की जाएगी कि सत्ता कायम रहे, लेकिन बावजूद इसके जो चुनाव है वो काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए होता नजर आ रहा है क्योंकि इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है और टीएमसी एक बार फिर से अपना जोर आजमा रही है गोवा चुनाव में। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर क्या जनता बदलाव करती है गोवा में या फिर बीजेपी पर दोबारा से विश्वास और राज्य के विकास के लिए एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान जनता करते नजर आएंगे। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाएगी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसमें वो ऐलान करेंगे कि आखिर उनकी पार्टी से यानी कि आम आदमी पार्टी से गोवा में कौन हो सकता है उम्मीदवार सीएम पद के लिए।